कार्यक्रमों के माध्यम से आपने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की होंगी और नई यादें बनाई भी होंगी, और उसी क्रम में आज की शाम को यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ अनूठी प्रस्तुतियाँ जिसमें भक्ति, प्रेम, विरह, उल्लास आदि के रंग हैं, और जिसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे महाविद्यालय के पुरातन और वर्तमान छात्र छात्राएं। तो कार्यक्रम की इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा महाविद्यालय की सांस्कृतिक निदेशिका डॉक्टर अनामिका सिंह को स्वागत उद्बोधन के लिए। धन्यवाद सर। सुरमई सी इस शाम में यादों के जुगनू लिए, सुरमई सी इस शाम में यादों के जुगनू लिए आए हैं आप सब यहाँ हमारी इस महफिल को सजाने। आपके ये कह कहे, आपके ये कह कहे, आपके ये किस्से पुराने, आपसे हैं रौनके, आप हैं महफिल चिराग। मैं डॉक्टर अनामिका सिंह महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का आज की सांस्कृतिक संध्या में यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज की इस शाम को आपके लिए यादगार बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, और हमारी उम्मीद है कि आज जब आप सब यहाँ से जाएंगे तो आपके जीवन में तमाम ऐसे लम्हे भी जुड़ जाएंगे जो हमेशा एक मधुर याद बनकर आप सभी के साथ रहेंगे। स्वागत की इस कड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ हमारे प्रबंध समिति के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर आर के मोहंता सर का, जिनका स्नेहिल सहयोग हमेशा हमें मिलता रहता है और वो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। साथ ही हमारे प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें तमाम तरीके के सुझाव दिए, हमारा मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ सके हैं। साथ ही अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे जितने भी अग्रज हैं, जितने भी एलुमनाई हैं, जो आज के इस प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से आभार कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, हमारी टीम को ये मौका दिया कि हम आपके लिए इस शाम को यादगार बना सकें। अभी सूरज रूहानी दरख्तों में अटका है, अभी सूरज रूहानी दरख्तों में अटका है, ख्वाहिशों के लम्हे पत्तियों से फिसलने तो दो, ख्वाहिशों के लम्हे पत्तियों से फिसलने तो दो, सितारों का मेला भी सजेगा, सितारों का मेला भी सजेगा, चांद भी निकलेगा, खुशनुमासी इस शाम को बदलने दो मतवाली रात में। थैंक यू सो मच, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम की। थैंक यू। धन्यवाद मैम इस स्वागत उद्बोधन के लिए। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है प्रथम पूज्य गणेश वंदना, जो अवधि में है। हम इस अवध क्षेत्र में विराजमान हैं, जिसे तुलसी ने अपने मानस में अवधपुरी कहा। अवध का यह क्षेत्र लोक गायकी में प्राचीन काल से ही बड़ा प्रसिद्ध है, और अवधी कलाकारों को बिरहा, नौटंकी नाच, अहिरवा, कहरवा, चमरवा नृत्य आदि विधाओं का आविष्कारक माना जाता है। तो कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है अवधी गणेश वंदना, सखी मंगल गाव रे, विघ्न सब दूर करें, जिसे आपके सम्मुख लेकर आ रही है महाविद्यालय की पुरातन छात्रा, संगीत शिक्षिका और आकाशवाणी कलाकार श्रीमती मांडवी तिवारी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का स्वागत करें। हेलो हेलो। सखी मंगल गाओ रे, विघ्न सब दूर करे, सखी मंगल गाओ रे, विघ्न सब दूर करे, सखी मंगल गाओ रे, विघ्न सब दूर करे, सखी तिलक लगाओ रे, विघ्न सब दूर
गजानन मुकुट बिराजे, शीश गजानन मुकुट बिराजे, मुकुट बिराजे हो मुकुट बिराजे, मुकुट बिराजे हो मुकुट बिराजे। सखी तिलक लगाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी तिलक लगाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी मंगल गाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी तिलक लगाओ री, विघ्न सब दूर करे। हाथ गजानन लड्डू बिराजे, हाथ गजानन लड्डू बिराजे, लड्डू बिराजे हाँ लड्डू बिराजे। हाथ गजानन लड्डू बिराजे, सखी भोग लगाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी भोग लगाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी मंगल गाओ री, विघ्न सब दूर करे। पैर गजानन नूपुर सोहे, पैर गजानन नूपुर सोहे, नूपुर सोहे हो नूपुर सोहे। पैर गजानन नूपुर सोहे, सखी चरण पखारो री, विघ्न सब दूर करे। सखी चरण पखारो री, विघ्न सब दूर करे। सखी मंगल गाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी तिलक लगाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी मंगल गाओ री, विघ्न सब दूर करे। सखी तिलक लगाओ री, विघ्न सब दूर करे, विघ्न सब दूर करे, विघ्न सब दूर करे। बोलो गणपति महाराज की। ये थी कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, प्रथम पूज्य गणेश वंदना, जिसे प्रस्तुत किया मांडवी तिवारी जी ने। और भक्ति के इसी रस में आपको और डुबाने के लिए इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक नृत्य, जो आधारित है महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत पर। इस स्त्रोत के रचयिता आदि शंकराचार्य थे और यह स्त्रोत स्तुति है शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा की, जिन्होंने शुंभ निशुंभ चंड मुंड महिषासुर धूम्रलोचन आदि राक्षसों का वध किया। महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत देवी भागवत कथा के अनुसार महिषासुर दानव बड़ा मायावी था और रूप बदलने में माहिर था। उसने कठिन तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और एक वरदान पाया कि देवता और दानव में से कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। और ये वरदान प्राप्त करने के बाद जब वो आतंक मचाने लगा तो देवता त्रस्त होकर त्रिदेव की शरण में गए और त्रिदेव के शक्तिपुंज से माँ दुर्गा का एक अवतार हुआ। और देवी भागवत के अनुसार महिषासुर और देवी के बीच लगभग 10 दिन ये युद्ध चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। तो ये 9 दिन युद्ध के, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और 10वां दिन जब महिषासुर का वध हुआ, और इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पर नृत्य, जिसे लेकर आ रही हैं महाविद्यालय की छात्रा शिखा पांडे।
सीता है लक्ष्मी तू, है शीतल तू, है अग्नि तू, तेरे पाँव में है तीनों लोक, है औरत खुद ही भक्ति तू। कमजोर ना समझो इसे, काली का दूसरा रूप है नारी। भक्ति रस में डूबी सम्मोहित कर देने वाली ये प्रस्तुति जिसे लेकर आई थी शिखा पांडे, और चलिए भक्ति से एक अलग रंग में आपको ले जाते हैं। हम चलते हैं 1950 के दशक में जब कॉलेज की स्थापना हुई थी, और उसी दशक में एक फिल्म आई दिल्ली का ठग, जिसमें किशोर कुमार ने अभिनय भी किया था और गीत भी गाया था। समय के साथ ये फिल्म तो भुला दी गई, लेकिन उसके गीत अमर हो गए, और उन्हीं गीतों में से एक गीत जो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। गायक हैं आशा भोसले, किशोर कुमार, गीतकार शैलेंद्र और संगीत रवि का है, और जिसे आपके सामने लेकर आ रहे हैं शारिफ खान और अंतिमा उपाध्याय। गीत के बोल हैं ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। हेलो, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। की चांदनी में
ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और ये सुमधुर प्रस्तुति निश्चित रूप से आपको 50 के दशक में ले गई होगी। और अब वापस से वर्तमान में आते हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है एक नृत्य जो मेशअप पर आधारित है। आज के ज़माने में मेशअप, जिसका अर्थ है कि अलग अलग गानों के कॉम्बिनेशन पर डांस आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति नृत्य मेशअप पर, जिसे लेकर आ रहे हैं मोहित कश्यप, और जिसके आरंभिक गीत के बोल है, वो लड़की जो सबसे अलग है। कहीं जुल्फ का बादल हो, कहीं रंगियां चल्ला, कहीं होठ गुलाबी हो, कहीं चाल शराबिया, कहीं आँख में जादू हो, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें हो, कहीं गोरी बाहें आ। कितने ही जलवे हैं आँखों में, घुलती है जिनसे चांदनी। जैसे जरा बल खा के, वो चले जैसे जरा इठला के, ये चले जैसे जरा शर्मा के, वो चले जैसे जरा इतरा के।
से अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर बनाऊं। मोहित कश्यप की ये शानदार प्रस्तुति और आपकी प्रसन्नता देखकर लग रहा है कि निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। और चलिए फिर से आपको ले जाते हैं पुराने समय में, 60 के दशक में। 60 के दशक में एक फिल्म आई गाइड। गाइड कहानी थी एक भटके हुए युवक की जो अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रहा था, और वही ये कहानी थी एक युवती की जो अपनी बेड़ियाँ तोड़कर अपनी पहचान को तलाश रही थी। आज इस एलुमिनी मीट के माध्यम से आपने भी छात्र के रूप में अपनी पुरानी पहचान तलाशी होगी, और मन में एक बार यह आया होगा कि काश स्टूडेंट लाइफ के उस पल को फिर से जी पाते। तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है एक गीत जिसे लेकर आ रही है अंशिका उपाध्याय, और गीत के बोल है आज फिर जीने की तमन्ना है। I'm not afraid।
आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अंशिका उपाध्याय के द्वारा ये मधुर प्रस्तुति, और एक बार फिर से आपको वर्तमान में लाते हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है एक युगल नृत्य जो मेशअप पर आधारित है और जिसे आपके सम्मुख लेकर आएंगे अर्पिता और सुलोचना। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की जो रूपांतरण की प्रक्रिया है ये काफ़ी पीड़ादायक होती है। आज आपके सामने बटरफ्लाई के रूप में जो प्रस्तुतियां हैं रंग बिरंगी, इसको तैयार करने में जो संघर्ष लगा है, जो समय लगा है, जो श्रम लगा है, जो हमारे छात्र छात्राओं ने दिया और साथ ही उनको तैयार करने वाले प्राध्यापक और प्राध्यापिकाओं की टीम ने, और हम प्रोत्साहन के रूप में उनके लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो वो केवल है अपनी तालियां। और लेकिन मैं अश्योर हूँ कि ये प्रस्तुतियाँ यदि दमदार होगी तो आपको ताली बजाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। किसी कवि ने लिखा है कि परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, और जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपके सम्मुख एक युगल नृत्य जिसे लेकर आ रही हैं अर्पिता और सुलोचना। Thank you.
आज इबादत आज इबादत रूबरू हो गए ये थी अर्पिता और सुलोचना जिन्होंने विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन अपने नृत्य के माध्यम से किया और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं विरह की तरफ। कहते हैं कि सारे दर्द बुरे नहीं होते और दर्द का एक सिग्निफिकेंस होता है कि जो भी इंटरनल डिटीरियरेशन या डैमेज हो रहा है उसका एक इंडिकेशन होता है। तो विरह का एक गीत लेकर आ रहे हैं आपके सामने सौम्य पांडे, जिसके बोल है ज़रूरी था और बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं इसमें कि तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था,
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक गीत सौम्य पांडे के द्वारा। हेलो 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 भैया भैया कौन थे इसको कि कौन देख रहा है क्या करना है इसका म्यूजिक तो ये आवाज बढ़ा दीजिए हल्का सा इको कर दीजिए अब इको वगैरह मुझे नहीं आता हेलो हेलो कौन सा है तुम बोलो तो पता चलेगा हेलो 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 Thank you.
याद आता है वो बातें थी महज बातें कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था तेरी आँखों के दरिया का उतरना था, ये भी जरूरी था, जिसे प्रस्तुत किया सौम्य पांडे ने। और आज का मॉडर्न ट्रेंड एक और चीज़ ज़रूरी होती जा रही है कि हम पढ़ने लिखने के लिए घर से दूर जाते हैं और फिर नौकरी करने के लिए भी घर से दूर चले जाते हैं। किसी शायर ने लिखा है कि पढ़ लिख गए तो हम भी कमाने निकल गए, घर लौटने के सारे बहाने निकल गए, पढ़ लिख गए तो हम भी कमाने निकल गए, घर लौटने के सारे बहाने निकल गए, बरसात गुजरी सरसों के मुरझा गए फूल, बरसात गुजरी सरसों के मुरझा गए फूल, उनसे मिलन के सारे बहाने निकल गए, उनसे मिलन के सारे बहाने निकल। लेकिन हमने एक बहाना ढूंढ लिया है आप सभी से मिलने का एलुमिनाई मीट के माध्यम से, और आप सबसे मिलकर निश्चित रूप से एमएल के परिवार का हृदय बहुत प्रसन्न है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जिसे लेकर आ रही हैं शताक्षी सेन, एक मेशअप नृत्य जिसके शुरुआती बोल हैं और अंग्रेज मेरे।
ओ रंग रे बस तेरा बनके हाय नहीं रहना दूजा बनके एक भी सांस अलग नहीं लेनी एक भी सांस अलग नहीं लेनी खेच लेना प्राण से तन के हाय नहीं रहना तुझा बन के तुझे पहनू सजन होंठों में आ सर गऊ सा बोलू तुझे रट लू सजन पिघल के मिल जा अपने ही रंग में हो तिलक सब छीनि रे मोसे नैना मिलई के नैना मिलई के रंग रंग दीनी रे मोसे नैना मिलई गे सुंदर भाव अभिव्यक्ति के साथ शताक्षी सेन की ये प्रस्तुति और फिर से आपको ले चलते हैं एक अलग रंग में एक क्लासिकल प्रस्तुति अलबेला सजन आयोरे जिसे आपने हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सुना होगा। यह गीत राग अहिर भैरव पर आधारित है।
जिसे गाया था उस्ताद सुल्तान खान ने, और राजस्थान और गुजरात की पृष्ठभूमि में यह चित्रित है। अलबेला का अर्थ होता है मन मोहने वाला, या जिसके आने से बहुत प्रसन्नता हुई हो। सजन लवर के सेंस में भी यूज़ होता है, या जो हमारा बहुत प्यारा हो उस सेंस में भी यूज़ होता है। तो MLK परिवार के लिए आप सभी बहुत प्यारे हैं, और आपका आगमन निश्चित रूप से हमारे मन को मोहा है और हमें प्रसन्नता भी हुई है। तो इसे एक स्वागत गीत की तरह भी प्रस्तुत किया जाता है। तो आप सभी के स्वागत में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है अलबेला सजन आयव रे, जिसे लेकर आ रहे हैं महाविद्यालय के पुरातन छात्र अर्चित शुक्ल। हेलो, 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 अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला, अलबेला सजन आयो रे, धीरे न न न न धीरे न, सजन आयो रे, ना 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 ना, धीरे न धीन ना ना धीरे 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 ना,
बेला सजन आयो रे। अलबेला सजन आयो रे, आपने अर्चित शुक्ल को सुना और इसके पश्चात आपको एक अलग ही विधा में ले चलते हैं। अभी तक आपने भक्ति, प्रेम, विरह, स्वागत सारे गीत और नृत्य के माध्यम से आनंद लिया। अब एक अलग विधा आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए, मिमिक्री। यादों की एक प्रकृति होती है कि जब हम परेशान करने वाली यादों को लंबे समय बीतने के बाद याद करते हैं तो हमें हंसी आती है कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हम परेशान हो जाते थे, और वहीं अच्छी यादों को जब आप समय बीतने पर याद करते हैं तो अक्सर पलकें भीग जाती है। आंसुओं के रंग उभरे और हंसी अच्छी लगी, आंसुओं के रंग उभरे और हंसी अच्छी लगी, मिल गए जब आप हमसे जिंदगी अच्छी लगी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मिमिक्री, जिसे लेकर आ रहे हैं महाविद्यालय के पुरातन छात्र और वर्तमान में बिजनेसमैन जन्मेजय सिंह। हेलो, मोस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल प्रोफेसर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ जन्मेजय सिंह। आई हैव डन माय पीजी बॉटनी फ्रॉम दिस कॉलेज इन 2021। नाउ हियर आई विल शो टू ऑल अ मिमिक्री परफॉर्मेंस। लेट्स स्टार्ट। इमेजिन कीजिए ऐसा ही फंक्शन कभी हुआ हो अपने कॉलेज में और सारे सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो लोग भी इसमें शरीक हों, आए हों, फिर वो दृश्य क्या हो। सब पार्टी प्रोग्राम चल रहा है, सब लोग प्लेट में लेके खाना खा रहे हैं, उसी में लाइट चली गई और किसी ने नाना पाटेकर के थाली से सफ़ेद रसगुल्ले चुरा लिए। अब नाना पाटेकर अच्छा छोड़ूंगा नहीं उसको जिसने भी मेरे साथ ऐसी हरकत की है, काट कर फेंक दूंगा। अरे प्यार से मांग लिया होता तो वैसे रसगुल्लों की नदियां बहा देता, ये घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी। तब तक बच्चन सर आ गए। अरे देखिए देखिए नाना भैया, आप जो है आप वहां से शांत रहिए, आप देखिए पार्टी चल रही है भाई साहब, थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आपका कुछ रसगुल्ले का व्यवस्था करता हूँ। देखिए कुछ रसगुल्ला ही गया भाई साहब, आप शांत रहिएगा। ये बगल में जो है राजकुमार साहब खड़े हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहता जो है ये आपका रसगुल्ला चुराए होंगे, लेकिन आप पहले ये आंखों से सुरमा वगैरह चुराते थे भाई साहब, हो सकता है चुरा लिए हो। अब राजकुमार वागले, तुम इस लंबू के चक्कर में हम पर शक कर रहे हो। पहली बात मैं वागले नहीं नाना पाटेकर हूं, चुपचाप तलाशी दे नहीं तो मुंह सीधा कर दूंगा तेरा। वागले अपने औकात में रहो, हमारे मर्जी के बगैर परिंदा पर भी नहीं मारता, और तुम्हारी क्या जरूरत जो हमारी तलाशी लोगे काले कौए कहीं के। अबे कौआ किसको बोला, वो भी काला, मेरी माँ मुझे चांद का टुकड़ा बुलाती है। लेकिन चांद में दाग भी होता है और वो दाग तुम हो। इतना हो रहा था कि उधर से अमरेशपुरी आ गए। ओम सोम शाभो शाशा जा नाना जा। अरे मैं तो अपनी सिमरन का हाथ तेरे हाथ में देने वाला था, लेकिन तूने तो साबित कर दिया कि पागलों की कोई प्रेम कहानियां नहीं होती है। जिस तरह मरे हुए वापस नहीं आते, वैसे अब तेरे रसगुल्ले भी वापस नहीं आएंगे। इतना हो रहा था कि लेट इरफान सर आ गए। अरे क्या भैया, चल क्या रहा है बेटा, नाना भाई के थाली से रसगुल्ले गायब हुए हैं। सुन लो बेटा, ऐसा लपाट मारेंगे बुद्धि खुल जाएगी, चुपचाप लाके दे दो। ए नवाज, नवाजुद्दीन, तेरे पे मेरे को शक है, चल बेटा इधर आ।
साहब मैं कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, साहब मैं कल ही अपने मुल्क से आया हूँ साहब, मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता लेकिन चोरी नहीं कर सकता साहब, मेरे को शक इस अजय देवगन पे है। अब अजय देवगन, इस माय वे होले स्काई वे, अरे हाज हाज नाना भाई की बेइज्जती हुई है तो समझो पूरे इंडस्ट्री की बेइज्जती हुई है। अरे हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ये, नाना भाई के लिए तो हम जान भी ले सकते हैं। अरे बेटा जान बाद में देना, पहले जो तेरे थाली में सफेद रसगुल्ले वो दे दे। अरे वो नहीं ले सकता। अरे तू तो जान देने जा रहा था, रसगुल्ले दे दे बेटा। मैं नहीं ले सकता। अरे दे दे, तू तो बहुत करीबी है। मैं नहीं दे सकता, मैंने दूसरे के थाली से खुद मांग के लेकर आया है। इतना हो रहा था कि नाना पाटेकर फिर से लग गए। बच्चन सर जब बेइज्जती करनी थी तो बुलाई क्यों? मैं ऐसी पार्टी को तुरंत तोड़ सकता हूँ, अगर दो मिनट में मुझे रसगुल्ले नहीं मिले तो एक एक गले चीर दूंगा। इतना हो रहा था। बच्चे आप देखिए देखिए भाई साहब, आप शांत रहिए, मैं अमित शाह जी से कुछ कह के सॉल्व कराता हूँ, आप शांत रहिए। अमित शाह जी अलग प्लेट में लिए खाना खा रहे हैं। अमित शाह जी, अरे देखिए अमित जी, ये पागल आदमी सनक गया है, मेरी पार्टी टूट जाएगी, आप कुछ कीजिए, थोड़ा दो मिनट के लिए देखिए भाई साहब। देखिए बच्चन जी, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मैं जहां भी नाश्ता करने जाता हूं पार्टी तोड़ता नहीं हूं बल्कि पार्टी बनाता हूं। और रही बात, इसको तुम्हें दो मिनट में सॉल्व कर दूंगा। अरे क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए, दो मिनट में इसे सॉल्व करता हूं। देखिए आप पहले जाके जनरेटर बंद कीजिए, इधर लाइट जाएगी, दो सफेद रसगुल्ले को काले करके इसके प्लेट में रखिए, ये जान नहीं पाएगा, ऐसे ही हम करते हैं। इतना हो रहा था कि उधर से राहुल गांधी, भैया मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से लट्टू डालिए उधर से रसगुल्ले निकलेंगे, इधर से लट्टू डालिए उधर से रसगुल्ले निकलेंगे, इतने रसगुल्ले हो जाएंगे किसी को रसगुल्ला चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सब सुन रहे थे, क्योंकि कॉलेज का प्रोग्राम था तो हमारे प्रोफेसर टीचर सब लोग रहे, राजीव रंजन सर हम सबके प्रिय। अब जैसे उन्होंने कहा तो राजीव रंजन सर राहुल गांधी को, जी भैया क्या भाव मांग खाओ का हो? जी नहीं, दे लो 10 रुपया और तू रोज खावा करो, कहे जो तोरे खाए ना खाए कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सब हो रहा था, फिर लास्ट में मोदी जी, भारत माता के, भारत माता के। साथियों पिछले 15 मिनट से मैं सज्जन के करतूत देख रहा था। मैं जब बचपन में जब ऐसा घूमता था तो बहुत सारे ऐसे नमूने मिलते रहते थे, अगर इनके थाली से सफेद रसगुल्ले चोरी हो गए थे तो क्या मार्केट में काले रसगुल्ले आने बंद हो गए हैं क्या? मैं इनसे जवाब चाहता हूं, इनको काले रसगुल्ले खाने चाहिए थे कि नहीं खाने चाहिए थे? मैं आप सबसे जवाब चाहता हूं, इनको काले रसगुल्ले खाने चाहिए थे कि नहीं खाने चाहिए थे? हाथ उठा के 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, इनको काले रसगुल्ले खाने चाहिए थे कि नहीं खाने चाहिए थे? लेकिन साथियों ताज्जुब की बात यह है, नहीं खाया। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। ये थे जन्मेजय सिंह, जिन्होंने अपनी मिमिक्री के माध्यम से आपको बहुत हंसाया, गुदगुदाया, और अभी भी आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। हेलो, और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं पुराने जमाने में, 70 के दशक में। आप सभी एक साथ वंस मोर कहेंगे तो जन्मेजय जी आ जाएंगे वापस से। तो जन्मेजय सिंह का फिर से एक बार स्वागत है मंच पर। थैंक यू
थैंक यू टू ऑल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मैं पहले आपके सामने एक सीन रखता हूँ गदर मूवी का, थोड़ा देशभक्ति है, कॉमेडी इसमें नहीं है। उसमें क्या होता है कि मस्जिद का सीन है, पूरी सीन लगी हुई है, तारा सिंह है और इमाम साहब हैं, अमरेशपुरी हैं। तारा सिंह कहते, वो इमाम साहब कहते हैं, भाई माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, आप पूरे एतो इमाम के साथ मस्जिद में चल के नमाज अदा कर सकते हैं। एक मिनट इमाम साहब, इससे पहले कि इसके नापाक कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये तो एतबार कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुझे इस्लाम कबूल है तो कहो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अब कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तकरीरें बंद कर, जब तक तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू एक पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में है, लेकिन उनके दिल और जुबा की धड़कने यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर, जब तक तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो चुका। अगर मैं अपने बीबी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो सबके सर काट भी सकता हूं। थैंक यू। अभी वही दोबारा सुनाना जो अभी हुआ था। तो सीन ये था कि नहीं बस थैंक यू, अभी और परफॉर्मेंस होना है। और चलिए अब चलते हैं 70 के दशक में, जब एक फिल्म आई थी मेरे जीवन साथी, और इस फिल्म में किशोर कुमार ने एक गीत गाया था जिस गीत के भाव है कि जब हम किसी से अटैच होते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो उसकी प्रेजेंस मात्र भी हमें मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है। और संभवतः इसीलिए किसी कवि ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इस गीत के भाव के साथ, और गीत की पंक्तियां है ओ मेरे दिल के चैन, जिसे लेकर आ रहे हैं श्री आशीष कुमार वर्मा जी, जो महाविद्यालय के पुरातन छात्र भी रहे हैं, साथ ही वर्तमान में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दारीचौरा में प्रवक्ता है, और इसके साथ ही नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी है। तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति श्री आशीष कुमार जी के द्वारा ओ मेरे दिल के चैन। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन,
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए भरा कीजिए। मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन सभी को चैन मिले सुकून मिले इन्हीं भावनाओं के साथ। यह आपने सुना श्री आशीष वर्मा जी को। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति छात्रों के द्वारा समूह नृत्य मेशअप पर आधारित है और जिसके आरंभिक बोल हैं आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है
ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। तर दुम 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 तर। She's so cool, she's so fine. देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, ये देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा। तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम। कह दो ना यू आर माय सोनिया। दिस इज फॉर यू। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए। अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। ओ तेरे लिए जो मैं दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। और ये एक सुंदर मनोहारी प्रस्तुति महाविद्यालय के छात्रों द्वारा, जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया सदरुज्जमा, मोहित कश्यप, मोहम्मद शारिक, कृष्णा और अभिषेक ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक गीत दमादम मस्त कलंदर
और इस गीत को लेकर आप सभी को मस्त करने के लिए आपके सम्मुख आ रहे हैं महाविद्यालय के पुरातन छात्र, वर्तमान में शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, और जिनको महाविद्यालय में मंच का बादशाह कहा जाता है, लेफ्टिनेंट देवेन चौहान सर, प्लीज वेलकम। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, ठीक है। आज के मंच के बादशाह डॉक्टर स्वदेश भट्ट साहब, और ऐसे समय मुझे बैटिंग के लिए बुलाया गया है जब 2020 में 19.2 ओवर हो चुके हैं। अब चार बॉल पे मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं, लेकिन जो गीत हमें गाने के लिए कहा गया है ये समर्पित है आप सभी, हमारे पिताजी के भी रहे गुरु, उन सब को, क्योंकि आज पुरातन छात्र 1955 से लेके अब तक के पधारे हैं, तो उनको समर्पित। और ये गीत खुदा की इबादत में, अपने आराध्य की इबादत में, पूजा में गाया जाता है, और इस गीत को कई लोगों ने गाया है अपने अंदाज में। जिस अंदाज को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ वो पंजाबी गायक गुरदास मान जी के अंदाज का है, मैं उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदूरी दा सेवन दा सखी साबा कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर अली साबात कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदूरी दा सेवन दा सखी साबात कलंदर, दम दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर अली सवाद कलंदर, चारो चराग तेरे पलन हमेशा, चारो चराग तेरे पलन हमेशा, पलन हमेशा जी पलन हमेशा, चारो चराग तेरे पलन हमेशा, चारो चराग तेरे पलन हमेशा, पराणु देना पराणु देना पीरु मिला झूले लालन, ओ पराणु देना पराणु देना पीरु मिला झूले लालन, सिंदूरी दा सेवन दा सखी सावा कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर अली सावात कलंदर, ओ लालो मेरी लालो मेरी
डरते रहते पियाना बत बाजे, डरते रहते पियाना बत बाजे, दम 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 अली दम 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 हे रे दम 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 अली दम 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 अली दम 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 ओ डरते रहते पियाना बत बाजे, डरते रहते पियाना बत बाजे, नालू बजे घड़ी यालू बला झूले लालन, ओ नालू बजे घड़ी यालू बला झूले लालन, सिंदूरी दा सेवड़ दा सखी सवा कलंदर, दम दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर, दम दम मस्त कलंदर 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 दम दम। और ये थे लेफ्टिनेंट देवेंद्र चौहान सर, जिन्होंने अपने प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी को मस्त किया। और अब इस सांस्कृतिक संध्या की अंतिम प्रस्तुति एक कजरी गीत। कजरी गीत भोजपुरी पारंपरिक गीत होते हैं और पूर्वी यूपी के ये प्रसिद्ध लोकगीत हैं, जिसकी उत्पत्ति मिर्जापुर जनपद से मानी जाती है। और एक दंत कथा है कि मिर्जापुर जनपद में कांतीत के राजा की बेटी का नाम कजरी था और वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, और जब पति से उसका विरह हुआ तो उस विरह में उसने जो भी गीत गाए उसे कजरी कहा जाता है। और आज भी मिर्ज़ापुर के लोग उन्हीं की याद में कजरी महोत्सव मनाते हैं। यह मुख्यतः श्रृंगार प्रधान होता है। तो कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है एक समूह नृत्य, जिसे लेकर आ रही है महाविद्यालय की छात्राएँ। ये होली का गीत है, उल्लास का गीत है, जिसे गाया है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने। और गीत के बोल है फगुनवा में रंग रस रस बरसे। भावे जैसे मुंदरी में नगीना, अरे मड़ई और महल दोनों एक हुई जाए, अरु राजा और रंक दोनों एक हुई जाए, औरी महिलवा मा अरे बरसे न बरसे, औरी महिलवा मा अरे बरसे बरसे, फगुनवा में फगुनवा में रंग रस रस बरसे, औरी महिनवा मा बरसे न बरसे, औरी महिनवा मा बरसे न बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे।
बगैचा वाली भीज अरे वहाँ बीज गईली वहाँ बीज गईली जो निकली ना घर से फागुनवा में रंग रस रस बरसे 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 लईकी भी भिजली बजनिया भी भिजले मेहरारू भी भिजली अरे वहाँ बीज गईले अरे वहाँ बीज गईले जो 80 बरस के फागुनवा में रंग रस रस बरसे फागुनवा में रंग रस रस बरसे फागुनवा में रंग रस रस बरसे देवरवा से भिजली ननदिया से भिजली अरे सैया के भीगो ये से अरे सैया के भीगो ये से भैली बावरिया फागुनवा में रंग रस रस बरसे 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 और ये थी महाविद्यालय की छात्राएं जिन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी को उल्लास में भिगोया रंगों में भिगोया और ये हमारे सांस्कृतिक संध्या की अंतिम प्रस्तुति थी और अब मैं अंत में आशीर्वचन की अपेक्षा के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगा महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव हमारे बीच में हमारे पुरातन छात्र परिषद के सदस्य श्री प्रदीप गुप्ता जी आईपीएस हमारे बीच में मौजूद हैं। ये सुबह की सभा में नहीं आ पाए थे, पीएससी दिवस चल रहा है इस वजह से ये अभी दोपहर के बाद आए हैं। मैं महाविद्यालय के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहनता जी से अनुरोध करूँगा कि इनको प्रतीक चिन्ह देने की कृपा करें। धन्यवाद।
और अंत में हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए और आशीर्वचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल आर के मोहंता सर को। एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। लुमनाई मीट की इसके बाद सिर्फ एक ही प्रोग्राम हमारा बच गया है जो कि डिनर है नीलबाग पैलेस में। उसके बाद कल भी आप लोगों ने आमंत्रित हैं क्योंकि हॉकी का कल इनॉग्रेशन है। टाइम है 10:30 बजे की कल की। आज की इस प्रोग्राम में खाली मैं आपको एक थोड़ा दो मिनट लूँगा खाली बताना चाहता हूँ क्योंकि आपके और हमारे समय जो समय हम हमारा पढ़ रहे थे एग्जाम दे रहे थे तो हमारा वही अप्रैल मई का सबका समय होता था। साल में एक बार होता था टेंशन फरवरी मार्च से शुरू होता था अप्रैल में तक ख़त्म हो जाता था है ना। आज के दिन ये NEP होके सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है। इन बच्चों जो प्रोग्राम दिए हैं इनका एग्जाम चल रहा है कंकरेंटली साथ साथ। इनको एग्जाम से लाना पिछले 15-20 दिन से तैयारी करना ये एक बड़ा चुनौती था सबके लिए खासकर जितनी हमारी मैंने अपना पावर है ये आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। इतना समय दिया इन्होंने बच्चों को एग्जाम खत्म होता 5 बजे फिर 5 से 6 प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ लोग अलुमनाई जो थे उनका भी टैलेंट आपने देखा हमने तो देखा नहीं था लेकिन आज खासकर देवेंद्र चौहान का तो पहली बार देखा मैंने इतना अच्छा गाना गाते हैं है ना। जबकि कॉलेज से मैं भी 6 साल से जुड़ा हूँ तो ये जो मतलब छुपी हुई टैलेंट बाहर आज आई है तो इसके भी मैं सराहना करता हूँ। और आप लोगों का मतलब ये जो गैदरिंग देखे आई एम रियली डिलाइटेड कि जो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था अपने तरफ से और मैं समझता हूँ कि हम उस एक सफल कार्यक्रम आयोजन करने में सफल रहे। बाकी सबसे आपको अभी निवेदन है जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है आप लोगों कृपया करके वहाँ पैलेस में आइए वहाँ भी आपका महाराज साहब भी रहेंगे और एक अच्छी डिनर का आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का आभार। और बशीर बद्र की इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी नए लोग होंगे नई बात होगी मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी चरागों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार धन्यवाद।